दोस्तों स्वागत है आपका टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों ये कंप्यूटर की पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई को वेरिएबल पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, यानी आउटपुट में करंट को कैसे कंट्रोल करते हैं और आउटपुट में वोल्टेज को कैसे एडजस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे पास कई कमेंट आते हैं, आउटपुट में वोल्टेज को सेट करते हैं और सेट वोल्टेज में किसी भी लोड को कनेक्ट करते हैं तो आउटपुट में वोल्टेज डाउन हो जाता है। तो दोस्तों ये आउटपुट में वोल्टेज डाउन होता है वो किन किन कारणों से होता है और आज इसको ठीक करने की भी कोशिश करेंगे और इस पावर सप्लाई को वेरिएबल पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो तो आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा इसको वेरिएबल पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं। आउटपुट वोल्टेज को सेट करने के लिए किसी भी SMPS में आउटपुट वोल्टेज से एक वोल्टेज फीडबैक उठाया जाता है, PWM IC को फीडबैक वोल्टेज दिया जाता है आउटपुट वोल्टेज को सेट करने के लिए। मैंने यहाँ पर इस SMPS में ये 100 kΩ का पोटेंशियोमीटर लगा रखा है, इसी से फीडबैक दे रखा है। ये सीधा आउटपुट से जुड़ा हुआ है ये वायर, और ये वायर है वो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, और इस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा है वो पिन नंबर 16 पर लगा हुआ है। इस IC की जो पिन नंबर 16 है वो वोल्टेज फीडबैक पिन है और इसी से आउटपुट में वोल्टेज सेट होता है। इस पर 2.5 वोल्ट से अगर ज़्यादा रेफरेंस वोल्टेज आता है तो ये अपनी ड्यूटी साइकिल को कम कर देती है और आउटपुट में वोल्टेज को सेट रखती है, यानी यहाँ पर 2.5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं पहुँचने देती है। 16 नंबर पिन पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, 1 μF का कैपेसिटर है, ये 2.2 का भी हो सकता है या 100 nF का भी हो सकता है, अलग अलग SMPS में अलग अलग मान हो सकता है। तो कई बार ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से भी आउटपुट में वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है। और SMPS की आउटपुट में यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है इनका भी मान कम ज़्यादा हो सकता है या ख़राब हो सकते हैं, उसकी वजह से भी आउटपुट में वोल्टेज डिस्टर्ब हो सकता है। और जब SMPS पर किसी प्रकार से कोई लोड नहीं रहता और आउटपुट में वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हैं तो ज़्यादातर उस केस के अंदर SMPS में एक शंट रेजिस्टेंस लगती है आउटपुट में प्लस और माइनस के बीच में। यहाँ पर जो ये शंट रेजिस्टेंस मैंने इसमें लगा रखी है वो 1 kΩ की रेजिस्टेंस लगा रखी है, ये दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, इसके जगह पर या 1 W की भी लगा सकते हैं, एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो लगती है वो आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से ही ये रेजिस्टेंस लगती है। जैसे मैं इसकी आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट 15 वोल्ट या 20 वोल्ट तक के लेते हैं तो वहाँ पर 1 kΩ के लगा सकते हैं, और 20 वोल्ट से अगर ज़्यादा आउटपुट होती है तो वहाँ पर 2.2 kΩ की भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अब मैं इसको चालू करता हूँ और इसमें वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। पहले चालू करने से पहले मैं यहाँ पर जो इनपुट है इसकी, यहाँ पर भी एक वोल्ट मीटर लगा लेता हूँ ताकि इसकी इनपुट का भी ध्यान रहे। मैंने यहाँ पर सभी को लगा दिया है और अब इसको टेस्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो ये वोल्टेज दिखाएगा ये मीटर, यहाँ पर SMPS में इनपुट वोल्टेज देते हैं AC वोल्टेज, वो इस मीटर में दिखाएगी और आउटपुट वोल्टेज इस मीटर में दिखाएगी। अब मैं चालू करता हूँ SMPS को, तो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होके फिर वापस कम हो रहे हैं, और जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो वोल्टेज बढ़ते हैं, और कम करता हूँ तो ये वोल्टेज कम होने में बहुत ही समय लेता है। वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में ये रेजिस्टेंस बताई थी वो नहीं लगाई, इस रेजिस्टेंस को भी लगा देते हैं। और अब वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हैं तो फौरन से कम भी हो रहा है और ज़्यादा भी हो रहा है। तो इस रेजिस्टेंस का महत्व इतना है। और अब मैं एक वोल्टेज की रेंज ले लेता हूँ, जैसे मान लो 12.4 वोल्टेज ले लिया, और जब मैं इसको लोड पे कनेक्ट करता हूँ तो ये वोल्टेज कितने लॉस होते हैं इसमें, ये 11.7 वोल्टेज आ रहे हैं,
यानी इसमें 0.6 या 0.5 के लगभग वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे एसी इनपुट में, तो यहाँ पर भी ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी इसको सीरीज लैंप की सहायता से ही लगा रखा है, इसलिए इनपुट वोल्टेज में जब लॉस होगा, जब आउटपुट वोल्टेज में भी लॉस होगा। अब मैं इसको सीरीज लैंप से हटा करके डायरेक्ट लगाता हूँ, और यहाँ पर देखेंगे 232 वोल्टेज आ रहे हैं, और यहाँ पर 0.3 वोल्टेज का ही, यानी 0.4 वोल्टेज का ड्रॉप वोल्टेज आ रहा है आउटपुट में। अब मैं पावर को उठा देता हूँ, और अब इस SMPS में देखेंगे यहाँ पर, तो ये इंडक्टर लगा हुआ है। इस इंडक्टर में ये बारीक वाली जो वायर है, मैंने 12 वोल्ट की लाइन पर इन्हीं वायरों को ले रखा है। अब यहाँ पर जो ये मोटे वायर हैं, इससे भी जोड़ देंगे इसको, तो ये थोड़े वोल्टेज को और बढ़ा देगी आउटपुट में, वोल्टेज को लॉस नहीं करेगी। और यहाँ पर जो ये शॉर्ट की डायोड लगी हुई है, इसकी दोनों साइड में से एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस और लगा देंगे यहाँ पर 1 kΩ की, तो इससे भी थोड़े वोल्टेज स्टेबल रहेंगे। यहाँ पर जो इंडक्टर लगा हुआ है, इसकी दोनों ये वायर, मोटी वायर यहाँ पर आई हुई है, और ये खाली छोड़ रखा है मैंने, इसको आपस में ऐसे पैरेलल में जोड़ देंगे 12 वोल्ट वाली लाइन से। अब SMPS को चला करके देखते हैं। और अब वोल्टेज को लगाते हैं, थोड़े वोल्टेज ड्रॉप कम हुए हैं इसमें। और अब मैं रेजिस्टेंस भी लगा देता हूँ, दो रेजिस्टेंस। इन दोनों रेजिस्टेंस को, ये दोनों साइडों को, यहाँ पर ये डायोड है, इनकी दोनों साइड पे लगा देंगे, और इसकी जो ये प्लस है, इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। आउटपुट में वोल्टेज अब 12.5 वोल्टेज के लगभग आ रहे हैं। और अब मैं लोड को कनेक्ट करता हूं, यानी इसको थोड़े वोल्टेज को मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूं, ये 12.2 वोल्टेज के लगभग आ रहे हैं। अब मैं लोड को कनेक्ट करता हूं, तो ये 12.1 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी पहले से काफ़ी सुधार है इसमें, ये इंडक्टर को हैवी वायर से जोड़ने के बाद में, और यहाँ पर ये दो रेजिस्टेंस लगाने के बाद में 0.1 वोल्टेज ही ड्रॉप हो रहा है। और वोल्टेज को थोड़ा और कम करके देखते हैं, पॉइंट वन वोल्टेज ही इसमें ड्रॉप हो रहा है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से किसी भी SMPS में फीडबैक सेक्शन में और ये आउटपुट में ये कुछ कंपोनेंट लगा करके आप वोल्टेज को सही कर सकते हो। वैसे तो कोई भी SMPS होती है, अगर उसकी पावर से ज़्यादा पावर देते हैं आउटपुट में, जब भी वोल्टेज लॉस होता है, और ये कम पावर की SMPS है, इसलिए इसमें थोड़े बहुत वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।